वीडियो में सीखेंगे हम पार्टी वियर ड्रेस बनाना, जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये लिया है 4 मीटर तो मैंने लिया है ये जॉर्जेट का कपड़ा, और जो अस्तर लिया है वो लिया है हमने 3.5 मीटर, क्योंकि बाजू में अस्तर हम नहीं लगाएंगे इसलिए 3.5 मीटर हमने लिया है। ये क्रेप का हमारा अस्तर है और ये हमने लेस ली है जिसे हम अपनी स्लीव्स में लगाएंगे। ये नग वाली लेस है, देखिए बहुत अच्छा इस पे काम है और इसके ऊपर बहुत अच्छा इसका लुक आएगा, तो इसको हम स्लीव्स पे लगाएंगे। जो हमारी ये कपड़ा है ये जॉर्जेट का 5 मीटर है और सेंटून 3.5 मीटर। सबसे पहले हम इस कपड़े में से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे खोल के। इस कपड़े का नॉर्मल पना है जितना होता है हमारा, मतलब पना ज्यादा नहीं है, तो इसको खोलेंगे और इसमें से हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा किस तरीके से निकालेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैं इसमें से निकालूंगी ऐसे ही मैं अपने अस्तर में से भी निकालूंगी। तो कपड़े को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे लंबाई वाली साइड से ऐसे, और यहाँ से इसको जो भी आपका ब्रेस्ट साइज है उसी हिसाब से आप उसमें 2 इंच मार्जिन लेके कपड़ा कट कर लीजिए। जैसे मेरा ब्रेस्ट साइज है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, तो मैं यहाँ से जो कपड़ा कट करूंगी वो करूंगी मैं यहाँ से 12 इंच कपड़ा कट कर लूंगी, क्योंकि ये जॉर्जेट कपड़ा है तो जब सिलाई करते हैं थोड़ा इधर उधर को होता है, तो 1 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही कट करूंगी। वैसे 11 आएगा मेरा, नॉर्मल मैं कट करूंगी तो 11 लेंगे। तो आप भी अगर ऐसा कोई फिसलना फैब्रिक है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही मार्जिन लगा के चले, बाद में हम कटिंग कर देंगे अगर मार्जिन होगा तो। 12 इंच कपड़ा मैं यहाँ से इसको कट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर और जॉर्जेट फैब्रिक बराबर बराबर कट कर लिया है। सबसे पहले हम अपने अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम अपना जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करके बिछाएंगे ताकि हमें आगे और पीछे के पर्दे एक साथ मिल जाएं। तो इस तरीके से कपड़े को खोलेंगे और खोल के अभी 2 तह में है, अब इसको हम 4 तह में कर देंगे। तो अब ये 4 फोल्ड कपड़ा हमारा हो गया है। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है, तो लंबाई वाले साइड से हम अपने टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे। जैसे हमारे टॉप पार्ट की तैयार लंबाई है 15 इंच, उसमें हम लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी टॉप पार्ट की लेंथ का। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे और यहाँ पे आपका जो भी शोल्डर है, जैसे आप इसमें डीप गला बनाना चाहते हो तो शोल्डर आपको कम लेना होगा यानी तीरा। तो यहाँ से जैसे मैं इसमें डीप गला बनाऊंगी तो मैं जो इसका तीरा लूंगी वो लूंगी मैं यहाँ से 6.5 इंच पे, 6 इंच का हमारा रेडी रह जाएगा पूरा सिलने के बाद। अब यहाँ से हम अपना जो आर्म होल है वो हम यहाँ से लेंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे हम एक 7 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ब्रेस्ट साइज आ रहा है मेरा 36, तो 11 आ रहा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैंने 12 इंच पे इस तरीके से इसको लिया है। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कमर साइज आपका जो भी कमर साइज है उसमें भी आपको लगभग 2 इंच मार्जिन लेके निशान लगा लेना है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 28, तो 28 का चौथा हिस्सा आता है 7 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन लगा के आता है 9 इंच, उसमें हम 1 इंच और ले लेंगे प्लेट के लिए तो हो गया 10 इंच। तो मैं 10 इंच पे यहाँ निशान लगा के और इस निशान को हम इससे इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम 1/2 इंच की गोलाई देंगे ताकि कॉर्नर ना निकले। अब यहाँ से हम 1.5 इंच के लिए तो देंगे बैक के लिए और 1 इंच पे देंगे हम फ्रंट के लिए, ऐसे गोलाई दे देंगे, ये आर्म होल की गोलाई होती है। तो बैक और फ्रंट की पहले हम बैक की कट करेंगे ताकि हमें इसमें जो अपना पार्ट है फ्रंट का उसको अलग करने के बाद हम फ्रंट की 1 इंच पे दे देंगे। तो इसकी कटिंग कर देंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा ये मेन फैब्रिक है इसको भी 4 फोल्ड में रखेंगे और सेम अस्तर को रखे, बस इसकी भी कटिंग कर देंगे। नीचे से लेंथ ज्यादा है उस कपड़े को कट कर लेंगे, बस ध्यान रखें कपड़ा आपका अच्छे से बराबर होना चाहिए। तो इसी अस्तर को रख के आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो बस यहाँ से रख लीजिए बराबर करके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, क्योंकि हम जब एक दूसरे को सिलेंगे तो उसमें भी हम बराबर कर लेते हैं कटिंग वगैरह करके, तो बस इसको रफली कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर बराबर कट कर लिया है। अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चारों तरफ से सिलाइयां लगाएंगे। सिलाइयां कैसे लगानी है वो मैं आपको एक बार अभी बताई देती हूँ। जैसे देखिए ये हमारा अस्तर है और अपने जॉर्जेट कपड़े का राइट साइड लेना है आपको इस तरीके से। अगर आपके पास पिन है और पिन तो आप वो लगा लीजिए, वरना सुई से कच्चा कर लीजिए। पहले हम इसके चारों तरफ को सिलाइयां लगा लेंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें गला बनाएंगे, प्लेट्स डालेंगे, लेकिन उससे पहले पहले चारों तरफ से सिलाइयां लगानी है इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। अब उसी कपड़े से हम स्लीव्स के लिए भी कपड़ा अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद घेरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी स्लीव्स के लिए फैब्रिक। तो स्लीव्स में हम अस्तर का यूज नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है इसको इस तरीके से स्लीव्स को हम दोनों स्लीव्स एक साथ निकालेंगे अपनी, तो इसको 4 फोल्ड में करके हम बिछा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ से बिछाने के बाद सबसे पहले आपको लेंथ देखनी है। जैसे मैं इसकी जो लेंथ है वो फुल रखूंगी, तो उसके लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे फुल के,
मतलब फुल का निशान जितना भी आपको अपनी स्लीव्स की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच मार्जिन ले लीजिए मोड़ने के लिए। जैसे 21 इंच की रेडी लेंथ है इसकी, तो मैंने 22 इंच पे लिया है, और जो किनारे वाला पार्ट है उसको हम अलग करेंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। अब यहाँ से इसको अलग करके फिर उसके बाद हम इसकी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे अपनी स्लीव्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से अपनी चौड़ाई रखेंगे स्लीव्स की। तो मैं यहाँ से रख रही हूँ 9 इंच पे, जैसे हमने 7 इंच पे आर्म होल कट किए थे, 2 इंच ज्यादा। अब यहाँ से खुली वाली साइड से हम 3 इंच इसको डाउन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 3 इंच डाउन करने के बाद यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स की शेप हो गई। अब यहाँ से आपका जो भी फिटिंग है, जैसे मेरा फिटिंग होगा 5.5 इंच पे, तो हम यहाँ से 6.5 इंच कपड़ा ले लेंगे। इसमें ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा है, फिटिंग स्लीव्स में कपड़ा नहीं रखना है ज्यादा आपको, क्योंकि वो फिर दिखता है ज्यादा सिलाई में। अब बस कुछ नहीं करना है, इस निशान को इससे तिरछा करके मिलाएंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। जो इसमें हम आधे इंच का कट देते हैं आर्म होल वाली साइड को, वो हम मशीन पे ही दे लेंगे जब इसकी सिलाई करेंगे। बस नॉर्मली जैसे ड्राफ्टिंग की है उसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कम घेरा चाहिए तो वो कम घेरा हम अस्तर में रखेंगे, आप उसमें समझ लीजिएगा, उसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। लेकिन हमें इसमें ज्यादा घेरा चाहिए, इसके नीचे हम स्कर्ट बनाएंगे, उसका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इसके 4 फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे, जैसे हम किसी की तह लगाते हैं 4 तह में, उस तरीके से इसको हम तह लगा के रख लेंगे 4 फोल्ड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 फोल्ड भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपको घेरे पे ज्यादा निशान नहीं लगाना है, तो आप इसको इस तरीके से पकड़ के और ऐसे भी ट्रायंगल में करके भी आप इसमें निशान लगा सकती हैं। लेकिन फिर उसको आपको अपनी कमर का, मतलब जैसे हम अभी 9 इंच लेते, तो अभी हम 9 का आधा लेंगे, तो इस हिसाब से बस इसमें आपको ये चीज देखनी होती है। क्योंकि जब 4 फोल्ड में था तो उसका हमारा चौथा हिस्सा था, अब ये 8 फोल्ड में है, तो 8 फोल्ड में हम इसको मतलब उसका आधा लेंगे 9 का। तो यहाँ से हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को, ये कपड़ा भी जो हमारा रखा है वो 8 फोल्ड में रखा है, तो 8 फोल्ड में कमर का हिस्सा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे जब ये 4 फोल्ड में था, तो हमारी जितनी भी कमर होती है उसमें हमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेना होता है, उसका चौथा हिस्सा निकाल के सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का मार्जिन। तो मेरा 9 इंच आ रहा था, तो अभी हम जब 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 4.5 इंच। तो मैं यहाँ से कमर का हिस्सा लूंगी 4.5 इंच पे, क्योंकि वैसे भी जो हमारा ये कपड़ा है ये तिरछे में कट होता है। जब तिरछे में कपड़ा कट होता है तो वहां से हमें वो कपड़ा फैलता है, तो इसीलिए उसको कम कट करें, क्योंकि अगर बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। छोटा होता है तो हम उसे कवर कर लेते हैं थोड़ा सा और कट करके और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पर जब बड़ा होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे आ रहा है इसका 6 इंच पे, तो एक छोटा सा हम सर्कल 6 इंच पे बना लेंगे ऐसे, और इनको एक दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी लेंथ देखेंगे। जैसे हमारा टॉप पार्ट हो गया 15 इंच का, अब आपको देखनी है अपनी लेंथ कितनी रखनी है। जैसे इसमें हम नीचे पीको कराएंगे तो हमारे पास टोटल आ रहा है 47 इंच, तो मैं यहाँ से पूरा ही लूंगी ये, मतलब जितना भी मेरा आ रहा है वो मैं पूरा ही ले लूंगी। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम ऐसे नापते हैं तो ये आ रहा है मेरा 31 इंच, 31.5 इंच, तो मैं यहाँ से इतने पे ही पूरे पे निशान लगा दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देके हम ऐसे निशान लगा रहे हैं 31.5 इंच पे, ताकि हमारा घेरा एकदम बराबर आए। अगर आपको खुले में सीखना है कि मतलब बस 4 फोल्ड में ही कैसे निशान लगाए, तो मैंने एक येल्लो कुर्ती पे बता रखा है घेरे वाली पे कैसे लगाते हैं, आप वो भी देख सकती हैं। और आपको नीचे ज्वाइंट लगा के इसका गाउन बनाना है फ्लोर टच, तो वो भी मैंने आपको बता रखे हैं बहुत सारे वीडियोस, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लहंगे वगैरह सब मैंने बता रखे हैं अपने चैनल पे, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने दी थी मतलब ऑफलाइन, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख के भी घर बैठे सिलाई सीख सकती हैं। तो ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल बराबर करके कर लिया है। अब जो हमारा ये फैब्रिक बचा है, जब हम अपना स्कर्ट बनाएंगे उसमें हमारा ये पूरा फैब्रिक यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम अगर चाहें बाद में तो टॉप पार्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो। अब बस उसी निशान के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। पीको में हमारा ज्यादा कपड़ा नहीं जाता है, पीको में सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब 1/4 इंच कपड़ा जाता है। अगर घेरा आपका बिल्कुल बराबर है तो फिर अब उसे छांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से कमर वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। ये जो किनारे वाला कपड़ा है इसको मैं अलग करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको मैं चारों को ही निकाल दूंगी यहां से।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको निकाल दिया है, अब हम इसको खोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा घेरा भी इसमें खूब सारा आ गया है, और उसके बाद हमारा कमर वाला हिस्सा भी, ये देखिए जितना हमें चाहिए था 9 इंच, वो हमारा पूरा ही निकल के आ गया है। अगर देखिए फ्रेंड्स, फिर भी आपसे अगर छोटा बड़ा होता है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे दोनों पीस को बराबर पकड़ के और आप इसे किसी ऐसी चीज पे मतलब लटका दीजिए, तो उससे वैसे इसमें मेरे में नहीं है बिल्कुल भी छोटा बड़ा, मेरा एकदम ये बराबर आया है। फिर भी अगर आपका होता है, क्योंकि जब हम निशान सही से जॉर्जेट कपड़े में हो ही जाता है, थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें भी हो जाए बाद में, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगी आपको कि नहीं होगा, हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप इसको ऐसे लटका के छोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर के लिए भी कपड़े को ऐसे ही ट्रायंगल में बिछा लिया, जैसे अभी मैंने आपको जॉर्जेट फैब्रिक बताया था। तो ये 4 फोल्ड में है, तो मैं इसको पूरा 9 इंच लूंगी यहाँ से। ये देखिए मेरा पूरा 9 इंच आएगा, क्योंकि ये है मेरा 4 फोल्ड में और वो था 8 फोल्ड में, तो मैंने 9 का हाफ लिया था इस तरीके से। अब इसको भी सेम हम ऐसे ही, जैसे इसका आ रहा है 13 इंच पे, तो हम पूरे 13 इंच पे ही एक सर्कल बना लेंगे गोल। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका नीचे की लेंथ रखी थी 31.5 इंच अपने मेन फैब्रिक में, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा 29 इंच। इसे हम मोड़ेंगे तो हम 29 इंच ले लेंगे अपने मेन फैब्रिक से। इसको लगभग आप 3 से 3.5 इंच ऊंचा रख सकती हैं, तो मैं पूरा ही ले लूंगी और एक गोल सर्कल बना लूंगी। अभी देखिए इसको ऐसे ही कटिंग कर देंगे, इसमें हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा है जो क्रेप है, तो इसमें जरूरत नहीं होती है छोटे बड़े की, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। हमेशा जब भी ये छोटा बड़ा होता है वो जॉर्जेट फैब्रिक में ही होता है। किनारे वाला पार्ट अलग कर देंगे इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अस्तर कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके नीचे। अभी हम इनकी सिलाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप टॉप पार्ट और अस्तर को रख के आप यहाँ पे पिनअप कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे कपड़े को अच्छे से पिनअप कर लिया है, अभी चारों तरफ को सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पिन हटाते हुए जाना है, और ऐसे ही आपको अपने दूसरे पार्ट को भी कर लेना है। जैसे 2 पार्ट थे, अस्तर को नीचे रखिए सीधा करके और अपने मेन फैब्रिक को रखिए उसके ऊपर और पिन लगा लीजिए। अगर ये पिन नहीं है तो आप यहाँ पे कच्चा भी कर सकती हैं। अब इसको फोल्ड कीजिए, प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डबल फोल्ड कर रखा है उल्टे साइड से। अब 3.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए 5.5 इंच की प्लेट रखेंगे दोनों साइड को। ये प्लेट हम डालेंगे और ऐसे ही निशान हम अपने बैक पार्ट में भी लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट है, जैसे मैं आपको इसमें बताती जा रही हूँ सेम हमें उसी में करना है। तो ये देखिए एक प्लेट डल गई है, दूसरी प्लेट को सेम डालेंगे। प्लेट की चौड़ाई रखी है हमने 1/2 इंच दोनों साइड को, मतलब 1 इंच कपड़ा हमारा चला जाएगा। तो देखिए दोनों साइड को प्लेट डल गई, जो भी छोटा बड़ा पार्ट जहाँ से भी दिख रहा है वहाँ से उसको कट कर लीजिए। अब हम इसका राइट साइड से सेंटर निकालेंगे, ठीक है। प्लेट के लिए हमने उल्टी साइड से कपड़ा मोड़ा था, अब हम गला बना रहे हैं तो हम सीधी साइड से बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे चौक से। और ये हमने गला बनाया, गला आप अपनी पसंद से कोई भी बना लीजिए, और बिल्कुल उसी सेंटर में रखते हुए पिन लगा के अब इसको सिलाई कर लीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखें सिलाई ज़्यादा, अगर बुकरम मोटी है तो बुकरम के ऊपर ना चढ़े, ये पेपर पेस्टिंग है पतली वाली है। अगर इसके ऊपर सिलाई चढ़ भी जाती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी मोटी बुकरम है तो बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है, कई जगहों पर ये नहीं मिल पाती है। तो बस हमने इसको कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक रख के बाकी के हम पूरे फैब्रिक को कट करके और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, और इसको हम उल्टी साइड को पलट देंगे। जैसे मैंने सीधी साइड को रखा था गले को, और अब उल्टी साइड को पलट के फ्रेंड्स अब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोड़ के यहाँ से तुरपाई कर लेंगे, मतलब हैंड स्टिच कर लेंगे। अब पूरे ही गले में तुरपाई करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, और सेम हम बैक पार्ट में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तुरपाई कर ली, बहुत ही बारीकी के साथ हमारी फिनिशिंग के साथ तुरपाई हुई है। ये मोती वाली लेस है, इसको लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बीच में सिर्फ छोटा सा गैप दिया हुआ है सिलाई के लिए, बाकी दोनों तरफ को इसमें नग हैं। तो ये मैंने देखिए बहुत ही सावधानी के साथ लगाई थी, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देके, क्योंकि सुई भी इसमें कई टूटी थी मेरी, लगभग 2 से 3 सुई टूटी थी। गले में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जब मैंने बाजू में लगाई थी तो बाजू में भी मैंने सेम ऐसे ही लाइन लगाई थी। इस वजह से मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे मैंने बाजू का वीडियो वहाँ से नहीं बनाया था, मैं बता दूंगी पर कैसे। अब ये टॉप पार्ट है,
अब टॉप पार्ट को पहले अस्तर को रखिए, ठीक है। कमर वाला हिस्सा ऊपर, घेरे वाला हिस्सा नीचे, दोनों कमर वाले हिस्सों को रख के ध्यान रखें। जो आपका टॉप पार्ट का सीधा हिस्सा है वो ऊपर सीधा होना चाहिए मतलब, और रॉन्ग साइड आपकी नीचे होनी चाहिए। अब रख लीजिए, अब दोनों को सिल के अब अपना टॉप पार्ट रखिए। ये देखिए टॉप पार्ट को रखिए इस तरीके से उल्टा करके सीधी साइड को, और अब यहाँ पे आप सिलाई लगा दीजिए। अब ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल बराबर, अगर बाय चांस आपका नीचे का घेरा बड़ा हो रहा है कमर वाला, तो आप क्या करेंगे उस पर 4 से 5 सिलाई लगा लीजिए, वो एकदम छोटा हो जाता है सिलाई से ही कट ना करके। आप यही काम करिए अगर ऊपर वाला भी हो रहा है, और ये बैक गला है, बैक गले की डीपनेस मैंने रखी है लगभग 11 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, आधा आधा इंच का डिस्टेंस देते हुए, 1 से आधा आधा इंच का डिस्टेंस देते हुए मैंने इसमें 6 से 7 लेयर लगाई हैं मोती वाली लेस की। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके मैंने शोल्डर इसका जोड़ लिया है, जैसे सिंपल शोल्डर जोड़ते हैं हम। अब बाजू को लगा लेंगे, बाजू को मैंने उल्टा करके रखा है, दूसरी बाजू को भी सेम मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है। बाजू एकदम फिट आई है, मतलब ना छोटी है ना बड़ी है, ये देखिए एकदम परफेक्ट आई है ये। अभी बस इसकी फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग करते टाइम भी हमने बहुत ध्यान से किया था फिटिंग भी, क्योंकि कई बार होता है कि धागा वगैरह ज़्यादा मतलब सुई वगैरह ज़्यादा टूटती हैं जब ये मोती वाली लेस होती हैं, तो इनको लगाना ये अच्छी तो लगती हैं बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब बस ध्यान रखें फ्रेंड्स, आर्म होल वाली साइड आपकी मिलनी चाहिए दोनों, कमर वाली साइड आपकी दोनों मिलनी चाहिए, और नीचे की बॉटम वाली। बस हम यहाँ से नीचे बॉटम तक इसको सिलाई करते हुए लाएंगे। ये देखिए पहले हम सिलाई करेंगे फ्रेंड्स अपने अस्तर की, नीचे वाले कपड़े की। देखिए अस्तर को छोड़ दिया, अब नीचे वाले कपड़े को सिलेंगे, क्योंकि इसका घेरा हमने अलग कटिंग किया था, अस्तर का घेरा अलग कटिंग किया है, इसीलिए हमने इनको अलग अलग तरीके से सिला। अब अस्तर को सिलाई कर देंगे उस कपड़े को अंदर करके, और ये सिलाई उल्टी साइड से ही हो रही है। अब सेम हम दूसरी साइड से करके, और इस पर फ्रेंड्स मैंने पीको कराई थी, मतलब मैंने इसको मोड़ा नहीं था। आप घर पे ना मोड़ के इस पे पीको कराएंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, आप घेरा देख सकती हैं। इसकी प्लाजो का वीडियो भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।